मुहर्रम पर्व को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन जो है वो काफ़ी चौकस है और निश्चित तौर पर जो है मुहर्रम पर्व को एकदम शांति तरीके से मनाया जाएगा। खास करके SSP ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं इस पर्व में जो है वो चौकस रहे और जो जो भी सेंसिटिव इलाका जिसको माना गया था वहाँ पर जो है वो पुलिस की ज़्यादा चौक चौबंद व्यवस्था रहेगी। और देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन जो है लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और पूरे बाजार में भ्रमण के साथ साथ वैसे गाँव और इलाके में भी जाएगी जहाँ पर जो है वो दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं और खास करके वैसे जगह को सेंसिटिव बनाया गया है जहाँ पहले एक दो बार ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी थी। रामनवमी के अवसर पर जो है वो फतेहपुर थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में जो है दो कम्युनिटी के बीच में आपसी झड़प हो गई थी। हालांकि बात ज़्यादा नहीं हुई प्रशासन मौके पर पहुंचकर तुरंत मामले को शांत करा दिया गया था और खास करके आप देख सकते हैं ये तस्वीर को कि प्रशासन बाजार से होते हुए सीधे वो जो है गांव की ओर निकलेगी और गांव में जाकर जो है लगातार फ्लैग मार्च करने वाली है। ये अब तक की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है वो खास करके गया पुलिस जो है मुहर्रम पर्व को लेकर काफ़ी चौकस है और लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। गया SSP के द्वारा भी निरीक्षण किया गया और थाना से 1 किलोमीटर दूर तक जो है वो बाजार का भ्रमण किया गया। पूरे बाजार में देख सकते हैं किस तरह का भीड़ का माहौल है और सभी लोगों से निवेदन भी किया गया है कि आप सभी आपसी भाईचारा बनाकर रखें। अब तक ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वो फ्लैग मार्च किया जा रहा है। यहाँ पे आमजनों की भी काफ़ी भीड़ है, व्यवसाय लोगों की भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ है, सभी लोगों से SSP ने जो है वो निवेदन किया है कि आपसी भाईचारा बनाए रखे। आगामी विभिन्न पर्व त्यौहार खास करके मुहर्रम को लेकर के अभी सभी पूरे जिले में सभी संवेदनशील स्थानों पर सभी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और समीक्षा किया जा रहा है कि जो तैयारी है वो किस प्रकार से है और अभी यहाँ पे फतेहपुर में तैयारी संतोषजनक पाई गई है और विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया कि जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे सतर्कता बरतेंगे और साथ ही साथ CCTV लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके संबंध में विशेष ध्यान दिया गया है कि सूचना संकलन पे विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या वो चौकीदारी परेड से हो, लेकिन सूचना संकलन करके वो उचित कार्रवाई कराएंगे। और आपके माध्यम से भी सभी लोगों से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे और कोई भी सूचना मिलती है तो पुलिस के साथ शेयर करेंगे। गया पुलिस पूरी तरीके से मुहर्रम तथा अन्य सभी पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए तैयार है और लगातार उसके लिए कार्रवाई करेगी। DJ पर रोक लगाया गया? देखिए, जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है और नॉइज़ पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स 2000 के तहत उसमें प्रावधान पहले से बना हुआ है कि किस क्षेत्र में कितने ध्वनि का कोई भी उसका अधिकतम ध्वनि होना चाहिए, तो उसी सभी लोग उसका पालन करेंगे और जो उसका उल्लंघन करेगा तो उसमें जो विहित प्रावधान है उसके आलोक में कार्रवाई होगी। बाकी असमाज पर आपका भ्रमण किया गया? देखिए, फतेहपुर में हम लोगों ने थाना पे आकर के रिव्यू किया है, साथ में यहाँ पर एडिशनल SP साहब हैं, SDPO साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं और टनकुप्पा और गुरपा के भी SHO यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पे फतेहपुर बाजार में फ्लैग मार्च अभी किया गया है और अन्य जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पे भी अभी फ्लैग मार्च किया जाएगा। बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे जरूर। आमजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आमजनों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहे और कोई अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस के द्वारा निष्पक्ष रूप से शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए जो भी कार्रवाई कर रहे हैं किसी के बहकावे में नहीं आए, खास करके सोशल मीडिया पे विशेष ध्यान दें। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है सर? पुलिस का नंबर तो सामान्य रूप से सभी के पास है ही और डायल 112 पे फ़ोन करके कोई भी सहायता ली जा सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो इसको करा लीजिए, है ना? तो यहाँ पर अभी गया SSP के द्वारा जो है वो फतेहपुर बाजार भ्रमण किया जा रहा था और साफ तौर पर जो है SSP का निर्देश है कि मुहर्रम पर्व को लेकर जो है वो चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार का अगर असामाजिक तत्व किसी भी तरीके से हुड़दंग मचाना चाहेंगे तो उसके लिए प्रशासन जो है वो एक्टिव है
और आपको बता दें कि मुहर्रम के त्यौहारों में गांव हो चाहे इलाकों हो, सभी जगह पर जो है प्रशासन फ्लैग मार्च करेगी। और आज देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गया SSP के द्वारा जो है वो फ्लैग मार्च किया गया है बाजार में। पूरे बाजार की तस्वीर है, लोग जो है यहाँ आसपास मौजूद है। आमजनों को भी इन्होंने ये संदेश दिया है कि जो भी लोग जो है यहाँ के आमजन जो भी हैं, जो भी स्थानीय लोग हैं, वो कृपया करके जो है वो शांति बनाए रखें और आपस में भाईचारा का जो है वो भेदभाव बनाए रखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे भगत की बुलंद आवाज़ और मैं हूँ समर राठौर।